हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग एक प्लान देखने वाले हैं जिसका साइज़ है 25 फीट बाई 25 फीट। अगर आप घर बनाना चाहते हो 25 फीट बाई 25 फीट पे, तो आपके लिए ये जो प्लान है, ये नक्शा जो है, ये आपके लिए बहुत कामगार हो सकता है। अगर घर बनाने के लिए आपके पास जो जगह है, सिर्फ घर बनाने के लिए ज़मीन हो सकती है आपके पास बड़ा हो, लैंड हो सकता है आपके पास इससे बड़ा हो, लेकिन आप घर बनाना चाहते हो 2 BHK यानी कि 2 बेडरूम के साथ और 25 फीट बाई 25 फीट का आपके पास लोकेशन है, जगह है, तो उस पर अगर घर बनाना चाहते हो तो ये प्लान एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसको आप ज़रूर पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको कॉलम का पोजीशन सारा ज़रूर बताऊंगा, आपका एक्सटर्नल वॉल इंटरनल वॉल कितना होना है। साथ में इसमें आपको 2 बेडरूम मिलेगा, एक लिविंग डाइनिंग मिलेगा, एक किचन मिलेगा, एक टॉयलेट मिलेगा और सीढ़ी मिलेगा आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा प्लान है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। आपके हिसाब से हो सकता है थोड़ी सी चेंजेस हो, वो आप कर सकते हो। क्या क्या चेंजेस कर सकते हो वो सब मैं इसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूं। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो लाऊंगा आप लोग के लिए, वो वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। तो गाइस, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा 25 फीट बाई 25 फीट का एक नक्शा। ये 25 फीट है आपका, 25 फीट यानी कि पूरा बाहर से बाहर तक, ठीक है। यहाँ ब्लैक कलर में जो आप देख रहे हो, ये सारा कॉलम का पोजीशन मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया है। तो बाहर से लेके बाहर तक ये आपका 25 फीट है और ऐसे भी आपका यहाँ पर 25 फीट है। क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर 25 फीट बाई 25 फीट का है तो हमारा कितना स्क्वायर फीट यहाँ पे हो रहा है, अगर 25 × 25 करोगे तो आपका आएगा 625 स्क्वायर फीट। यानी कि जो आपका घर बनने वाला है, ये बनने वाला है आपका 625 स्क्वायर फीट के ऊपर में। समझ में आ गया। और ये देख सकते हो यहाँ पे 2 बेडरूम आपको मिल रहा है, जिस वजह से इसको बोलेंगे हम लोग 2 BHK, 2 बेडरूम हॉल किचन, ठीक है। फुल फॉर्म बहुत कोई को नहीं पता होता है तो समझ लो, 2 बेडरूम मिलेगा, 2B लिखा हुआ है इसीलिए, एक हॉल मिलेगा, एक किचन मिलेगा, इस वजह से 2 BHK इसको कहा जाता है। अब ये 25 फीट बाई 25 फीट का नक्शा के लिए हम लोग यहाँ पे कॉलम कितना पकड़े हैं, हम लोग पकड़े हैं 9 नंबर्स ऑफ कॉलम, ठीक है, 9 नंबर्स ऑफ कॉलम पकड़े हैं। इसको इसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है ना कि आपके घर के अंदर में कोई भी ऑफसेट ना रहे या कोई कोपला ना रहे, जैसे हम लोग बोलते हैं। जैसे कॉलम बहुत जगह देखना, जैसे 10 फीट बाई 12 इंच का हो जाता है, उस वजह से कॉलम घर के अंदर में एक कोण आ जाता है, इस वजह से हम लोग अपना पलंग वगैरह सब फिक्स नहीं कर पाते हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उसको ओमिट किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो कॉलम का साइज रखा गया है वो है आपका 10 इंची बाई 10 इंची, ठीक है, ताकि वो दीवार के अंदर मिल जाए। इससे आप एक चीज़ समझ ही सकते हो, अगर मेरा कहीं भी कॉर्नर कुछ नहीं निकला है, इसका मतलब क्या है कि बाहर का दीवार जो हम लोग ने यहाँ पे पकड़ा है वो 10 इंची का है और अंदर का जो इंटरनल वॉल सब जितना भी है वो है आपका 5 इंची का। तो एक्सटर्नल वॉल 10 इंची का, इंटरनल वॉल 5 इंची का। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इंटरनल आपको 5 इंची रखने से चल भी जाता है, लेकिन एक्सटर्नल भी बहुत कोई हम देखे हैं कि 5 इंची ही डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जनरली कम से कम भी जाना है तो 8 इंची का तो आप लोग जरूर डालिए। अगर कॉलम की पोजीशन की हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो सारे ही कॉलम यहाँ पे 10 इंची बाई 10 इंची के हैं। और यहाँ देख लो, एक कॉलम यहाँ पे है, एक कॉलम यहाँ पे है, एक कॉलम यहाँ पे आपको लगेगा, उसके बाद 3 कॉलम यहाँ बीच में लगेगा और 3 कॉलम आपका यहाँ लगेगा। तो 9 कॉलम सफिशियंट है इस 25 फीट बाई 25 फीट के नक्शे को खड़ा करने के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ये हमारा प्लान है, हम लोग यहाँ से घर के अंदर प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे। तो देखिए, ये हमारा एंट्री है, ये एंट्रेंस गेट है और एंट्रेंस गेट हमारा यहाँ पे 4 फीट का रखा गया है, 4 फीट यानी कि 12 cm का, ठीक है। जैसे हम लोग अंदर घुसते हैं, हम लोग को जो डोर है वो इस साइड में खुलेगा, दाहिने तरफ में आपका खुलेगा, ताकि यहाँ से आपको सीढ़ी से ऊपर जाने का मौका मिल सके। तो ये हमारा सीढ़ी है आपका, यहाँ से जैसे ही घुसोगे बाएं तरफ आपको सीढ़ी मिल जाता है, यहाँ से आप सीढ़ी से ऊपर जाओगे और यहाँ से होते हुए आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओगे। क्लियर हो गया। तो स्टेयर के लिए जो लोकेशन यहाँ पे रखा गया है वो है आपका 10 फीट 6 इंची, 10 फीट 6 इंची आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है और 6 फीट आपका ऐसे ऐसे, यानी कि 3 फीट ये फ्लाइट और 3 फीट ये फ्लाइट, ठीक है। एक फ्लाइट के लिए 3 फीट रखे हैं, एक फ्लाइट के लिए 3 फीट रखे हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ क्लियर हुआ है, समझ में आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको वेंटिलेशन के लिए खिड़की भी दिया गया है मिड लैंडिंग के ऊपर में। जैसे ही आप सीढ़ी से चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लाइट पे यहाँ पे लैंडिंग पे पहुँच जाओगे, उसके ऊपर में ही आपको ये खिड़की वहाँ पे मिल जाने वाला है,
समझ में आ गया। चलिए अब अंदर चलते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले डाइनिंग हॉल मिल जाता है, ड्राइंग रूम भी आप इसको बोल सकते हो, ड्राइंग के हिसाब से जैसे आपको यूज़ करना है कर सकते हो। आप यहाँ पे सोफ़ा लगाइए, यहाँ पे आप सोफ़ा लगाइए, जनरली यहाँ पे सोफ़ा लगा के यहाँ पे आप टीवी वगैरह सब लगा सकते हो, फिट कर सकते हो, ठीक है। कबर्ड वगैरह आप यहाँ पे पूरा फिक्स कर सकते हो। तो ये आपका डाइनिंग हॉल एक मिल जाता है जिसका साइज़ है 12 फीट 10 इंची बाई 11 फीट 11 इंची का। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आपको किचन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से यहाँ पे ओपन किचन चाहिए था, इसलिए यहाँ पे ओपन किचन है। आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो। आप यहाँ पे दीवार डाल दोगे, अगर यहाँ पे आप एक वॉल बना दोगे तो ये किचन आपका फिक्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्लोज्ड किचन हो जाएगा। अगर आप किचन को थोड़ा बड़ा रखना चाहते हो तो आप दीवार यहीं से ले आ सकते हो और यहाँ पे आप बेंड कर सकते हो, यहाँ से आप दरवाज़ा रख सकते हो किचन में जाने के लिए। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से मतलब ऐसे और ऐसे बंद कर सकते हो आप चाहो तो। समझ में आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो बेडरूम आपको मिल रहा है, एक टॉयलेट यहाँ पे मिल रहा है। टॉयलेट का सबसे पहले हम लोग बेडरूम वन की बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपका बेडरूम टू है। बेडरूम वन है हमारा 9 फीट 6 इंची बाई 11 फीट का और बेडरूम टू है हमारा 9 फीट बाई 11 फीट का, ठीक है। दोनों में ही दो दो खिड़की है। ज़रूरत नहीं है कि आप दोनों ही खिड़की को रखो, आप अपने हिसाब से जिस खिड़की को चाहते हो, आपका डायरेक्शन जैसा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उस हिसाब से आप खिड़की को रख सकते हो और एक को ओमिट भी कर सकते हो। सब दोनों में खिड़की डालने की ज़रूरत नहीं है। जितना ओपनिंग रखोगे आपका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से आप एक खिड़की को हटा भी सकते हो, सेम इस रूम में भी। तो यहाँ भी आपका क्या है कि बेडरूम टू है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका साइज़ आपका 9 फीट बाई 11 फीट है, दो खिड़की यहाँ पर अवेलेबल है। बीच में यहाँ पर टॉयलेट आपको मिल जाता है जो कि है 4 फीट बाई 11 फीट, ठीक है। बेडरूम में जो डोर हम लोग देंगे वो 3-3 फीट का देने वाले हैं, ठीक है। और इस बेडरूम का जो डोर है वो इधर इस दीवार की तरफ खुलेगा और इस बेडरूम का ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर खुलेगा। टॉयलेट का आपका इधर खुलने वाला है, ठीक है। 4 फीट बाई 11 फीट होगा, 4 फीट ऐसे 11 फीट ऐसे। वेंटिलेशन के लिए यहाँ भी आपको एक विंडो मिल जाता है। अब बहुत कोई ऐसा आप लोग बोल सकते हो कि जो एंट्री यहाँ पे है, एंट्री के हिसाब से डायरेक्ट हमारा टॉयलेट दिख रहा है, जो कि सही नहीं है। तो आप लोग चाहो तो ये जो स्टेयर के पास में ये जो ब्रिक वर्क है ना, इस ब्रिक वर्क को आप थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो, कहाँ तक, इस कॉलम तक, मतलब टॉयलेट का डोर ना दिखे उस हिसाब से इसको आप यहाँ तक एक्सटेंड भी कर लीजिएगा, तो आपका जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पर सॉल्व हो जाने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो हम लोग ने यहाँ पे दो बेडरूम कवर किया, एक लिविंग डाइनिंग कवर किया, एक किचन, एक टॉयलेट, एक स्टेयर केस। तो 25 फीट बाई 25 फीट में बहुत अच्छा प्लान है ये। ओपन स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है एरिया के हिसाब से और प्लान भी बहुत अच्छा है। बहुत कोई को डुप्लेक्स टाइप का मिल चाहिए होता है तो ये आपका बहुत अच्छा बन जाएगा 2 BHK टाइप में, आपका 625 स्क्वायर फीट में। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पे सभी चीज़ क्लियर हुआ है। फिर भी कोई डाउट कोई परेशानी है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा। किसी को अगर अपना हाउस प्लान वगैरह बनाना है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे civilengineeringofficial@gmail.com पे। और इस प्लान का अगर आपको PDF चाहिए तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी यहाँ पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि आपको कई फायदा होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप लोग को मिल जाया करेगा। तो गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।